उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में एक युवती को अपने दोस्त से बात करना कुछ युवकों को नागवार गुजरा, जिसके बाद उसके साथ छेड़छाड़ जैसी घटना सामने आ गई। कुछ युवकों ने युवती के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया और वो फरार हो गए। गुस्साए लोगों ने उसके साथ मारपीट की भी कोशिश की। हालांकि आसपास के लोगों ने इस माहौल को समझा। इतने में ही जो लोग उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे थे वो मौके से फरार हो गए। आपको बता दें कि मुरादाबाद के SPCT का कहना है कि थाना कटघर क्षेत्र के गुलाबबाड़ी में एक युवती अपनी नौकरी करने के बाद से वो घर वापस जा रही थी, तो उसका हिंदू दोस्त सड़क किनारे पर उसे मिल गया और उसके साथ वो बातचीत करने लगी। इतने में ही कुछ युवक युवती को देखकर रुके और उससे बात करने से रोकने लगे, जिससे नाराज होकर युवती के साथ उन लोगों ने मारपीट और छेड़छाड़ जैसी घटना को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में एक अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कोई पीड़ित का भी ये कहना है कि वो घर वापस जा रही थी और अपने दोस्त के साथ बात कर रही थी। इतने में कुछ लोग आए और उसे रोकने लगे और जब वो नहीं मानी तो युवती के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता ने अपनी मां के साथ थाना कटघर पहुंचकर वहां तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ में मुकदमा दर्ज कर लिया है। SPCT का कहना है कि इस मामले में CCTV फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है और बहुत जल्द ही इसमें आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। अपने सहयोगी के साथ हम अंकित चौहान, खबर फास्ट, मुरादाबाद। गुलाबबाड़ी क्षेत्र की एक महिला जो प्रभात नगर में कहीं काम करती है, शाम के समय लगभग 6-7 बजे के आसपास वापस घर जा रही थी। रास्ते में जो गुलाबबाड़ी एरिया है वहीं पे एक युवक के साथ वो बात करने लगी। उनके बात करने पर किसी एक अन्य युवक को ऑब्जेक्शन हुआ और उसने उस युवक के साथ और महिला के साथ अभद्रता की है। उसमें सूचना पे तत्काल हम लोगों ने उसमें FIR उपयुक्त धाराओं में कर ली है, और चूंकि वो अज्ञात तहरीर मिली थी तो उसमें जो व्यक्ति इन्वॉल्व है उसके बारे में छानबीन की जा रही है और आसपास के फुटेज देखे जा रहे हैं। जो भी होगा और जो भी साक्ष्य हमें इन्वेस्टिगेशन में मिलेगा उसके हिसाब से इसका निस्तारण करेंगे। तहरीर में क्या कहा गया? महिला का आरोप यही है कि कोई एक युवक आया और चूंकि वो अपने किसी एक फ्रेंड से बात कर रही थी, वो नागवार गुजरा, उसने मेरे साथ मारपीट की है जो गलत किया है, और इसलिए हम लोगों ने उसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।